नमस्कार साथियों, कांग्रेस के फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार तानाशाही पर उतारू है, तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर यह मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह के मौन सत्याग्रह जो है वो देश के कई राज्यों में हो चुके हैं और केंद्र सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ जो है वो देश की जनता आवाज उठा रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सदन में अडानी का मुद्दा उठाया, उसके बाद जिस तरह से एक फर्जी जो है मानहानि मामले में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उसके बाद उनसे उनके घर को छीन लिया गया, और जिस तरह से कोर्ट के माध्यम से राहुल जी को परेशान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही है, और पूरे देश में जो सच के लिए आवाज उठा रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, उसको तरह तरह के षड्यंत्रों के माध्यम से परेशान करने की कोशिश इस तानाशाही सरकार के द्वारा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा हो रही है, उसी को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी यह सत्याग्रह कर रही है। आज दिल्ली में सत्याग्रह हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं, वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और सभी ने जो है वो काली पट्टी जो है वो बांध रखी है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरे, शांतिपूर्ण तरीके से ये मौन सत्याग्रह किया जा रहा है और केंद्र सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार कितनी भी तानाशाही क्यों ना कर ले, तो देश तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएगा, एकजुट होगा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो तानाशाही कर रही है सरकार उसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। और उसी की ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर में आपको दिखा रहे हैं। ये मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। लगातार राहुल जी ने इस देश में जो हालात है, जो महंगाई से जनता परेशान हो, बेरोजगारी से जनता परेशान हो, जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है उससे जनता परेशान हो, उसको लेकर वो लगातार आवाज उठाते रहे और उस खामियाजा जो है भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन एक सच्चे नेता की यही पहचान है कि वो जनता के लिए हमेशा खड़ा रहे, संघर्ष करता रहे, और राहुल जी की यही पहचान है। लगातार तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं अपने कर्तव्य पथ पर। देश में जिस तरह से फैली, जिस तरह से देश को बांटने की कोशिश की गई, मुस्लिम में देश को बांटा गया, माहौल खराब कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई, उस खिलाफ राहुल जी कन्याकुमारी लेकर कश्मीर की यात्रा निकली, पैदल चले, जन सैलाब साथ उस यात्रा जो है शामिल हुआ, उन्होंने एक सुर आवाज उठाई देश में तानाशाही के खिलाफ, एक संदेश कि देश कितनी भी प्रत क्यों ना भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा की जाए, इस देश में दुकान जो है खुलती रहेगी, इस देश की जनता मोहब्बत का साथ, इसी संदेश देने के लिए ये जो है मौन सत्याग्रह जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी देश भर के जो राज्य हैं वहां पर मौन सत्याग्रह किया गया, लेकिन चूंकि दिल्ली बाढ़ प्रभावित थी, दिल्ली की जनता जो है परेशान थी, इसलिए दिल्ली का ये सत्याग्रह आज जो है जनता पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे लोग जो है वो काली पट्टी बांध के आए हैं, मौन बैठे हैं, और सरकार के खिलाफ नाराजगी और राज्य की अपना समर्थन दिखा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हो पोस्टर बैनर है, लिखा है संसद में मोदी जी इन जवाब मांग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अडानी को लेकर सवाल है ना, जिस तरह से भी तो के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको उनके पास जो है महंगाई कोई महंगाई का बोल रहे हैं मंत्री जो है जो मुद्दे हैं दो पर चुप्पी है, इसीलिए इंडिया वांट्स रिप्लाई नॉट साइलेंस, मतलब कि भारत जवाब मांग रहा है ना कि चुप्पी मांग रहा है। लेकिन सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति की रही है, शांति डाल रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संदेश दिया है कि अगर चुप रहकर सब जा सकता है, इसमें आप करने की नहीं की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा को स्वादने के लिए चुनाव जीतने में माहौल है, लेकिन ये मौन पर दिल्ली के जंतर हम आपको दिखा रहे, ये प्रदर्शन ये
जंतर मंतर 5 बजे और दोपहर 2 बजे तक ये मौन सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी का चलेगा। और जो विचारधारा जी ने भी किया था खिलाफ और भगाया था कि तानाशाही कुछ में आए हैं शाही कर उनको भी काम चिंता करेगी। और राहुल जी के साथ ये पूरा देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी का एक एक जो है सदस्य कार्यकर्ता का, और यही इस मौत के माध्यम सरकार को देने की सरकार शाही कांग्रेस पार्टी रहेगी, ऐसे ही देश रहेगी। में जुड़ बहुत बहुत।